नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। संत रविदास जयंती के अवसर पर बालाघाट जिले के बैहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिवसीय बैगा ओलंपिक का किया शुभारंभ, साथ ही नक्सली हिंसा में शहीद जवान स्वर्गीय मनीष की प्रतिमा का किया अनावरण। सहकारिता राज्य मंत्री सुभाष सारंग ने राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन एवं सहकारिता सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को किया पुरस्कृत। और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने की खरगोन जिले में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की अगवानी, पौधे लगाकर यात्रा का किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। संत रविदास जयंती के अवसर पर बालाघाट जिले के बैहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 दिवसीय बैगा ओलंपिक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के कल्याण में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बैगा दंपत्ति परिवार नियोजन अपनाना चाहे तो कलेक्टर की नियुक्ति के बगैर उनके नसबंदी ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। बैगा संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए बैगा ओलंपिक अगले वर्ष और भी व्यापक स्वरूप में किया जाएगा। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का 61वें दिन लगभग 1200 किलोमीटर यात्रा तय कर खरगोन जिले में प्रवेश करने पर 1 हेक्टेयर में पौधरोपण कर यात्रा का स्वागत किया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने यात्रा की अगवानी की, साथ ही उन्होंने पौधरोपण किया। यात्रा खंडवा जिले के ओमकारेश्वर से रवाना होकर थापना और मोटक्का माफी होते हुए आली बुजुर्ग पहुंची। खरगोन की सीमा में प्रवेश करने पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार में महिलाओं और पुरुषों ने खड़े होकर यात्रा का स्वागत किया। इधर सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पर्यटन, आईटी, परिवहन और उद्यानिकी में सहकारिता के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी समितियां बनाई जाएंगी और इसका फेडरेशन बनाने के लिए सरकार विचार करेगी। मंत्री सारंग आज कौशल उन्नयन एवं सहकारिता पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने और उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। हमीदिया और कमला नेहरू चिकित्सालय में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह द्वारा कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि जो व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं वे लगातार आगे भी जारी रहेंगी। बेहतर सुविधाओं के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ अधिकारी सतत प्रयत्नशील रहे। शासन स्तर पर पैसे की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 4 करोड़ की लागत से हमीदिया अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज में लगभग 25 करोड़ की लागत से वायरोलॉजी लैब बनाई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।